जय शिव शंकर। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए हम सब ने देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सोमवार क्यों प्रिय है? इस संशय को दूर किए बिना अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अपनी इस कथा में हम इसी शंका का निवारण करने जा रहे हैं। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। एक बार चंद्रमा भगवान शिव के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि राहु मुझे बहुत सता रहा है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अपनी पूर्णता का जो अहंकार है कि मैं इतना चमक रहा हूँ, उसे त्याग दो तो राहु तुम्हें छोड़ देगा और मैं भी अहंकारी की रक्षा नहीं करता, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर चंद्रमा वहां से चले गए और उन्होंने जाकर लघु रूप धारण कर लिया। दूज का चंद्रमा वही लघु रूप है। यहाँ जानने की बात यह है कि पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लगता है लेकिन दूज के चंद्रमा को नहीं लगता। लघु रूप धारण करने के बाद चंद्रमा भगवान शिव के पास आए। ये देखकर भगवान शिव ने कहा कि ये तो बहुत विनम्र हो गया, इसकी तो रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उसे उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि अब दुनिया में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकेगा। भगवान शंकर की शरण में आते ही चंद्रमा पूरी दुनिया में पूज्य हो गया। हिंदुओं में तो है ही पूज्य। करवा चौथ को बिना चंद्रमा देखे हुए या जन्माष्टमी को बिना चंद्रमा निकले व्रत पूरा नहीं होता। मुसलमानों में भी जब तक चंद्रमा नहीं देखा जाता ईद भी नहीं पूरी होती। तो चंद्रमा को अपने सर पर रखकर सर्वत्र पूज्य बना दिया भगवान शिव ने। और चंद्रमा का दिन होता है सोम। जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी तो सृष्टि ने घूमना शुरू किया था। सृष्टि का एक चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। पहले होड़ा चक्र का मालिक सूर्य था। होड़ा चक्र के बारे में यदि बात करें तो कोई भी आदमी जब ज्योतिष की विद्या ग्रहण करता है तो उसे सबसे पहले होड़ा चक्र पढ़ाया जाता है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले ABCD सिखाई जाती है। तो पहला जो होड़ा चक्र था उसके मालिक सूर्य थे, इसलिए पहला दिन रविवार का होता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य, और रवि से अगला दिन चंद्रमा का दिन था। होड़ा चक्र में दूसरा दिन सोम का है यानी चंद्रमा का है। और होड़ा चक्र का अनुसरण सिर्फ भारत में ही नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। दुनिया में पहला दिन संडे यानी सन का दिन और दूसरा दिन मंडे यानी मून का दिन होता है। हिंदू धर्म का होड़ा चक्र पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है। पहला होड़ा चक्र सूर्य का, दूसरा होड़ा चक्र चंद्रमा का, और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सर पर धारण कर रखा है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। सूर्य को इसलिए धारण नहीं किया कि सूर्य शीतलता प्रदान नहीं करता। भगवान शंकर शीतलता प्रदान करते हैं दुखियों को, दरिद्रों को, भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को। जिन प्राणियों को संसार में जगह नहीं मिलती उनको भगवान शिव की शरण में स्थान मिल जाता है। इसलिए चंद्रमा का दिन सोम भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो शशि शेखर और चंद्रशेखर भी कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस कथा को सुनना चाहते हैं।